हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है शाम का 4:56, ठीक है, मतलब 5 बजने वाला है। और हमारा गाइस, मैं बताना चाहूंगा, अभी शो है, मूवी शो 5:50 पे। तो जस्ट मैं दोस्तों यहां पर रेडी हो चुका हूं और जा रहा हूं अभी मार्केट की, और मार्केट से मुझे प्रिंट्स को उठाना है। और आएगा सीनू, अविनाश एंड अविनाश का फ्रेंड। तो हम लोग 5 लोग आज जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, 1 से 1.5 साल बाद शायद मैं मूवी हॉल पे जाना, सिनेमा पे जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पता है कोविड की वजह से जो है सिनेमा बंद हो गया था, उसके बाद मुझे टाइम भी नहीं मिलता था। तो फिलहाल अभी एक बहुत ही अच्छी मूवी आई हुई है, पुष्पा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और काफी ज्यादा उसका रिव्यू मैंने देखा कि बहुत कोई बोल रहा है बहुत ही अच्छा मूवी है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, पुराने दिनों को याद किया जाए, एक बार मूवी हॉल जाया जाए और मूवी भी देखा जाए। तो अभी चलिए गाइस, मैं रेडी होकर के निकल रहा हूँ सीधे मूवी हॉल की तरफ, ठीक है, जो कि है आईनॉक्स में। तो चलते हैं डायरेक्ट, प्रिंट्स को उठाते हैं, सीनू उधर से डायरेक्ट आ जाएगा, अविनाश भी आ जाएगा, उसका फ्रेंड भी आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट मूवी हॉल। पहनना है टिया शूज कहाँ है मेरे? और ये देखिए गोलू क्या कर रहा है। ओए गोलू क्या कर रहा है? देखिए हर वक्त सिर्फ फोन देखता है, ये कार्टून, इसीलिए बच्चा वाला कंटेंट में इतना व्यू आता है ना। गोलू तुम कितना बार देखता है कि एक वीडियो को? 3 बार 4 बार करके देखता है ना। देखिए इसीलिए तो इतना व्यू आता है। तुम व्यूज बढ़ा सबको, हाँ सबको अमीर बना दो तुम वीडियो देख देख के। देखिए इसका दांत टूट गया है। पता है सबको। चलो मेरा देखो ना कहाँ है, मेरा शूज देखो तो कहाँ है टिया? यहाँ पे। तो चलिए गाइस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, काफी लेट हो गया शूज पहनने में। इवनिंग हो चुका है, 5 बज भी गया है। चलिए चल। तो यहाँ पे अपनी हैरी खड़ी है, गंदा तो कम ही दिख रहा है आज फिलहाल, इतना गंदा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इसको एक है साफ करने वाला। यहाँ पर प्रिंस आ गया है, रेडी रेडी ब्रो। चलिए उधर सीनू और अविनाश और उसका फ्रेंड आ जाएगा, निकलते हैं हम लोग। टाइम भी ओवर हो गया, 5:12 हो गया, अब 5:50 में शो है, पहुँच जाएंगे 20-25 मिनट में। सो गाइस, गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दिया है पार्किंग में, और अविनाश ये लोग आ रहा है, बोला 10 मिनट लगेगा, थोड़ा ट्रैफिक में फंसा हुआ है। और सीनू आ रहा है अपना R15 से ना, फोन करके बताया। तो चलिए अभी वो लोग आने का वेट करते, उससे पहले हम चलते हैं बाहर, थोड़ा कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, मैंने आज लंच भी नहीं किया था, भूख बड़ी जोर से लगा हुआ ब्रो। समोसा गरम, ये ब्रेड दे दीजिए ना, एक एक दे दीजिए, एक ही दी। तुम खाएगा नहीं खाएगा? एकदम पेट। ये भैया मेरा कैमरा तरफ देख रहे, सोच रहे हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा ना। YouTube पे जाएगा वीडियो, YouTube पे। चलिए गाइस इसको पहले फिनिश करते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं अंदर, टाइम भी हो गया है, 5:50 हो गया, 5:50 में हमारा शो, और अविनाश ये लोग अभी तक नहीं आया है, वो लोग आ जाएगा, वो लोग का कितना ही वेट करे अपने आप आ जाएगा जब आएगा, ऐसे भी लेट हो चुका है। लिफ्ट से चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन लिफ्ट है अभी ऊपर में। बोलो प्रिंस थोड़ा जल्दी आए, जल्दी आ जाओ, सो स्टार्ट हो गया। आ ही गया, चलो ब्रो जल्दी जल्दी जल्दी, 5 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट। Let's go, आईनॉक्स। So guys, finally हम लोग सिनेमा का अंदर आ गए हैं, थोड़ा सा लेट हुआ था बट लेट नहीं हुआ, अभी तो एड चल रहा है। अविनाश लोग अभी भी नहीं पहुंचा है ब्रो, हमेशा वो हर एक चीज में लेट होता है, और सीनू भी नहीं है, अपने आप घुस जाएगा, वो लोग टिकट भेज दिए। तो फाइनली यहाँ पर सब कोई आ गया, पक्का 10 मिनट बाद। ये फिलहाल मूवी देखते हैं, फिर बताते हैं आप लोग, अभी तो फिलहाल मजा आ रहा है। तो अभी गाइज हो गया है इंटरवल, फाइनली 1.5-2 घंटा देखने के बाद क्या ही बताएं, मतलब मूवी इतना खतरनाक है, इतना मस्त है, एकदम दिल खुश हो गया। क्या सीनू कैसा लग रहा है? खतरनाक। अविनाश एक नंबर, पूरा भयानक लग रहा है ना, अभी क्लाइमैक्स बाकी है, एकदम इंटरवल तक में ही इतना मजा आया ना, पब्लिक पूरा खुश है एकदम, और हॉल पूरा भरा हुआ, पूरा सिनेमा देख सकते हो, पूरा एकदम सिनेमा पूरा फुल हो चुका है। तो चलिए अभी आते हैं थोड़ा बाहर तरफ घूम कर। तो हमारा टिकट में ही इंक्लूड था पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो चलिए पहले काउंटर में जाकर के दिखाते हैं, क्योंकि अभी तक आया नहीं, शायद इंटरवल के बाद ही देता है, तो ले लेते हैं पहले अपना
फूड एंड जाकर के बैठेंगे फिर से चेयर में। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, एक्साइटेड। तो ये हमारा आ गया है 4 पॉपकॉर्न 4 कोल्ड ड्रिंक। तूने मुझे मारा, अभी बताता हूँ। यहाँ पर मूवी हो गया खत्म, और क्या ही मजा है यार, बाहर बताते हैं आप लोग जाकर। फिलहाल मूवी खत्म हो चुका है, कचाकच हॉल एकदम भरा हुआ था, मजा आ गया। So guys, क्या ही बताएं, मूवी कतई जहर थी। क्या सीन खतरनाक, लास्ट में लिख रहे हैं एंडिंग में सेकंड इंटरवल। हम लोग सोचे भाई 3 घंटे बाद सेकंड इंटरवल हो रहा है, मतलब और होना क्या, और मूवी चलेगा। मतलब ये है कि गाइस इसका क्लाइमेक्स जो है खत्म नहीं हो रहा है, सस्पेंस लास्ट में छोड़ के रखा हुआ है, मतलब सेकंड पार्ट आने वाला है। और बाकी कुछ नहीं बताऊंगा, नो स्पॉयलर्स, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, आकर के देखो, एकदम जहर मूवी है। मतलब क्या बताएं, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा एकदम दिल खुश। बाहुबली के बाद हाँ लग रहा है यही वाला मूवी। KGF वाला म्यूजिक दे दिया ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा ही। और कोविड के बाद ये पहला ऐसा है कि सिनेमा में इतना भीड़ मैंने देखा, मतलब ठीक है, कोविड के बाद 1.5-2 साल के बाद। चलिए मूवी देखकर काफी अच्छा लगा, अब देखते हैं आगे क्या करना है। क्रिसमस में देखिए बिग बाजार को काफी अच्छा सजाया था, एकदम मस्त लग रहा। नीचे में देखिए एक डिजाइन भी है, चलिए जाकर के दिखाते हैं, अच्छा लग रहा, खूबसूरत। तो ये गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर सबको फोटो शूट करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा सजाया गया था क्रिसमस में, बहुत खूबसूरत लग रहा है। लिखा हुआ मेरी क्रिसमस, बहुत ही शानदार खूबसूरत। फोटो शूट करवाना है क्या? चलो अंदर घूम, फोटो शूट करवाएगा। यहाँ पर एक नया चीज दिख रहा है हमें, ये पहले नहीं था। यहाँ पे तंदूर मिल रहा है, तो पहले खा लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग घर निकलेंगे। शानदार। तो अभी गाइस अब सब कोई आ गया है यहाँ पे बॉम्बे कुल्फी खाने के लिए। बताइए इतना ठंड में, एक तो रात का 9:30 बज रहा है, लोगों को खाना है बॉम्बे कुल्फी। हम तो नहीं खाएंगे भाई, नो रिस्क। मेरा बड़ी जोर मतलब सर्दी उर्दी पकड़ लेता ठंडा खाने से। आपके हिसाब से जो अच्छा वो दीजिए। मेन्यू भी है, सब कोई खा रहा था तो मेरा मन मान नहीं रहा है, सोचे खा लेते हैं, जो होगा फिर देखेंगे बाद में। क्या ही होगा, ज्यादा ज्यादा सर्दी होगी। वीडियो नहीं आएगा फिर उसका क्या, वीडियो नहीं आएगा ऐसा थोड़ी, सर्दी हो जाएगा और क्या। थोड़ा आवाज में थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा वीडियो में, नाक से बोलेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं खाया था ना, आइसक्रीम खाओ तुम। यहाँ पे सब कोई आइसक्रीम पे टूट पड़े हैं। गाइस हमने आइसक्रीम खा लिया, कबाब खा लिया, सब खा करके अभी फिलहाल आ गए हैं फिर से पार्किंग एरिया में, एंड लेते हैं अपने कार को और चलते हैं घर। तेरा भी गाड़ी यहीं पे है ना अविनाश? कहाँ पे रखा है? उधर। तो चलिए मेरा गाड़ी तो यहीं पे है, निकलते हैं। तो वो गाइस अविनाश उधर जा रहा है, हम अपने गाड़ी पे बैठ चुके हैं। बाय सिनो, आराम से जाना, बाय। अभी मैं घर आ गया हूँ और ये देखिए पूरा एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि गांव है तो 10 बजे रात में ही यहाँ सन्नाटा हो जाता है। ये देखिए, तो गाड़ी मैंने वहाँ पर पार्क कर दिया है, एंड घर में मैंने फ़ोन किया अभी, जस्ट मम्मी गेट खोलेगी शायद, आंटी है। गाइस आज है नेक्स्ट डे, एंड आप सबको गुड मॉर्निंग। और इस ब्लॉग का मैंने एंड नहीं किया था, तो चलिए आज की इस ब्लॉग का एंड करते हैं। और आप लोगों को बता दूं, वो मूवी काफ़ी ज़्यादा मजा आया, अगर आप लोग का टाइम है तो जाकर के एक बार जरूर देखना, पुष्पा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मूवी था। मतलब क्या ही बताएं, बयां नहीं किया जा सकता वीडियो पे बोल करके, ठीक है, वो देखने से ही आप लोगों को मजा आएगा। एंड आज का ये ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गोलू भी सो करके उठ गया है, अभी उठा सो करके। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।